बंदे बंदे मातरम बंदे बंदे। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले हो मां ओ मां। बांध कफन अपने सर पर हम, करी जाना है ओ क्यों मरी जाना है, ओए की करी जाना है क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो है। ओ की करी जाना है क्यों मरी जाना है, ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो है। हल चलाए तूने ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला असी सारे तेरे नालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो है। कर चमकेगी ओए तकदीर ये तेरी मेरी, आजादी का उगेगा सूरज जाएगी रात अंधेरी। ये धरती तेरी है पगले इस पे तेरा राज है, सुन ओए जट्टा तेरी पगड़ी तेरे सर का ताज है। ओए दे दे जवाब सीधा करना सवाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो ओए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो ओए। ओ की करी जाना है क्यों मरी जाना है, ओए की करी जाना है क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो ओए, पगड़ी संभाल जट्टा।
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बिरला जी जो भी धन्यवाद तो क्या पहले कीमती टाइम कटी करे आए जे प्रोग्राम के अंदर और था के गाइड और हां जी पूरी चैन मंगा लिए था के किए कम करना है और नहीं नहीं सारा मंगा लिया आपने अच्छे दिन जो भी मां तहे दिल का शुक्र गुजार आया जो पहले कीमती समय कटी करे एडे आए हां वो और इन फंक्शन जी शोभा बधाई हां तो बहुत ज्यादा वो तो दे दो वो आ गई क्या आपके पास तो दिल्ली जा साथी असा सा गड प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार आयो तैयार आयो तैयार आयो ठीक है तो पहली एक दो झूलेलाल साईं जे जयकारे सा तो जी असा हाने प्रोग्राम ते वधी का कंसंट्रेट करे सकौ आयो लाल सबई चो स्वागत करे रही है इन मंच ते इन सभा गृह में मुसा गड मंच जो संचालन करना असांजा भा कमल जी कमल आहूजा जी धन्यवाद हिना दीदी ता सबडी के जान दीदे जय जय झूलेलाल असांजी हिना शेदादपुरी दीदी जेकी दिलेर सिद्धी चैनल जी डायरेक्टर भी आ सामाजिक कार्यकर्ता है उल्लास नगर में माननीय सांसद शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में डाडा सुहणा सुहणा सिंधी समाज लाए कम कर दिया एडी हिना दीदी असा जे विच में उल्लास नगर का आई है मैं उनको स्वागत तो क्या वंदन तो क्या अभिनंदन तो क्या थैंक यू कमल जी स्वागत जी गाल हली रही है ए ताड़ी जो आवाज ना तो अचे ता सब जोरदार ताड़ी सा पांजो पांजो स्वागत करना ताड़ी की आवाज में दमी का नहीं को एक दफो वरी असा ता का रिक्वेस्ट करना सी हां जी प्याली गेर गेर भी आए वो बाहर चाय जी प्याली गेर गेर भी आए जना भाई अंदर बैठे करे बताओ एकड़ो अंदर बैठे के दीदी असा के चेंदिया उल्लास नगर में भाई फोन करे चेंदिया वो ससुराल के साथ जिसमें ना हो साली वो ससुराल के साथ जिसमें न हो साली वो सुबह की चाय कैसी जिसमें न हो प्याली वो दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम के साथ जिसमें न बजे ताली नहीं बजे के तो कार्यक्रम कैसे होगा भाई कमल जी असा जे इका हिंदू धर्म जे एक पद्धति आ त कोई भी कार्यक्रम शुरुआत करण का पहिरी असा गणेश वंदना कनायो त छो न असा कार्यक्रम शुरुआत कयो असा घुराइंदासी असा जी भेण उषा शाहनी के जेके के मायो बुधाइने खुशी थी थे त दिलेर सिंधी ब्यूटी पेजन जा विनर आइन हुए उषा जी तमाम सुठे हर कार्य में हर गुण में तमाम सुठे नमूने सा निपुण है त एडी उषा दीदी के मां मंच ते आमंत्रित कनम जोरदार ताली सा उषा जी जो स्वागत अरे वाह एडी मस्त आवाज उठाई पे दिए जे एक दफो वरी आयो लाल सभी चो सभी का पहरियों गणेश वंदना का आज जो प्रोग्राम जी शुरुआत था कयो
Yeah.
धीरे 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 उनका बालावस्था से युवा अवस्था में जाना हुआ, तो अक्टूबर 1942 को उन्हें पता चला कि एक हथियारों से भरी हुई ट्रेन उनके गांव से गुजरने वाली है। वो हथियार किसके लिए काम आते, उसी की तरह देशभक्तों को दबाने के लिए काम आते। तो हेमू कालानी जी का खून खौल उठा और उन्होंने अपने साथियों से मिलकर वो रेल की पटरियों को ही उखाड़ दिया। उस वक्त गश्त चल रही थी जिन पुलिस वालों की, तो उन्होंने उन्हें देख लिया वो पटरियां उखाड़ते हुए और उन्हें जेल में डाला गया। जब वो जेल में थे तो कर्नल रिचर्डसन उनको सबक सिखाना चाहते थे कि जैसे उनकी देखा देखी और क्रांतिकारी ऐसे कार्य ना करें, तो उन्होंने हेमू कालानी जी को फांसी की सजा देने का निर्णय लिया। हेमू कालानी जी को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, बहुत बर्फ की सिलों पर लेटाया गया, हर तरह से टॉर्चर किया गया उनके साथियों के नाम जानने के लिए, पर हेमू कालानी जी ने वो नहीं किया। उसके बाद उनको फांसी दी गई, पर उनका जब शव पूरी ही सिक्योरिटी के साथ उनके गांव दिया गया, जैसे कि वहां पर और ज़्यादा सब ना देशभक्ति के रंग में रंग जाएं। इसी कड़ी को जब हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे 21 जनवरी 1943 को उनको फांसी की सजा दी गई। 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी माँ को बुलाकर जेठीबाई जी को उनको हेमू कालानी जी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1983 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक डाक टिकट उनके नाम से जारी किया। 1984 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई के चेंबूर उपनगरी में अमर शहीद हेमू कालानी स्मारक के हेतु भूखंड प्रदान किया गया। और आज भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में भी उनकी कांस्य की मूर्ति, जो हमारे ही सिंधी भाई श्री सुरेश केसवानी जी के प्रयत्नों से लगाई गई थी, आज हम लोगों ने सुबह उनके ऊपर पुष्पार्पण किए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। और आज सुबह से ही देश के कोने कोने में इसी तरह से समारोह हो रहे हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अभी बुलाना चाहेंगे
जैसवानी जी को जो अपने सुरों से फिर से एक बार महफिल को सुरीला बना देंगे। तो जोरदार तालियों से पंकज जी का स्वागत। आई लाल सभी जो सुनाएंगे आपको पहले सिद्धि। Thank you.
नौजा जेको चाहे करे सके तो ये लाइनों खास हृदय स्पर्शी हैं पैदे जीवन में कुता दे छियो पान ही चाहे पान ही लारे पान ही चाहे पान ही लारे पान ही चाहे पान ही लारे पान ही चाहे पान ही चाहे मुझो साईं करे जीअं चाहे साईं करे चाहे 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 आहे सजण मुझे आशीर्वाद खपे वो तारिन के रूप में या फेस रिएक्शन एक बार जोरदार ताली सजे हॉल गूंजी वे दिल्ली के कोने कोने में आवाज़ फैले और पूरे देश में अज जो कार्यक्रम जो थो रो हम अपने सिंधी समाज को एक नई ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं जो संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है ना हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आकर कहें कि हमें तो पता ही नहीं हमारा लोकगीत क्या है हमारा लोक नृत्य तो नहीं होने वाला है मैंने खुद देखा 2018 जब हमारे प्रधानमंत्री लंदन में गए ना तो सिंधी कल्चर की भी डांस हुआ मैंने खुद देखा पर यहाँ लोग नहीं ले रहे ना सिंधी गुजराती सब नहीं ऐसे प्रोग्राम से इन्हांस होगा आज बच्चे भी बहुत आए शुरुआती दौर जो था हमारा जब पार्टी शुरू हुआ था तो सब धर्म के खाते छोड़ गए थे क्योंकि वहाँ धर्म की हम भी एक ऐसे ही आदमी हैं
कश्मीर। आप जैसे हैं ना। जी जी जी। हाँ हाँ, खुद भी ऐसा ही एक आदमी है जी। हम से आप तो पश्चिम से हैं लेकिन मैं पूरब से जी। मेरा पिताजी नाना जी सब छोड़ के बांग्लादेश। अभी भी हमारे घर वाले चाहे मिल मदर है चाहे नानी है जो भी है सभी ये बस उसी में लगे हुए हैं कि वो कहीं लुप्त ना हो और हम उसको और बढ़ा दें और एक नई जी। नमस्कार बंद कर बंद करते हमारी सिंधी संस्कृति यहीं से शुरू होगी आपके आशीर्वाद से। क्रांतिकारी वीर के बुधण के लिए ऐसा विच में
असा सा गद जुड़ी रहा है केतरा ही असंजा स्वयं उन्हें दिलाए असंजा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी असंजे बीच में उपस्थित थेंदा धर्मेंद्र प्रधान जी असंजे बीच में उपस्थित थेंदा माननीय शिक्षा राज्य मंत्री सरकार जी असंजे बीच में उपस्थित हैं ब्या भी अतिथि असंजे बीच में उपस्थित थेंदा माननीय शंकर लाल जी लालवानी जी के नेतृत्व में आज इंदौर जे देश का पधारल सिंधी समाज हेमू कालानी जी प्रतिमा ते माल्यार्पण कियो संकल्प वरतो कि हाणे असां सॼो साल हेमू कालानी जे नाले सां मल्हाईंदासीं अचो लाल साईं जी धुनी लॻाऊं मां ॾाढी देरि खां ॾिसां पियो पंकज भाई सां गॾु तव्हां सभई आनंद पिया कयो त भॻवान झूलेलाल जो हिकिड़ो ज़ोरदार जयकारो आयो लाल सभई चओ वरी हथ मथे करे झूले लाल 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 झूले लाल
ये उठाया कि गर्म खाना देना चाहिए जबकि सुबह राशन राजीव दत्ता जी ओएस जी एवं श्री लक्ष्मी चंद मकरानी जी से आवेदन निवेदन करूंगा देना गुरु प्रमोद कौन बताएगा था प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं आयो लाल सभी चो हेमू कालानी अमर रहे
भाई आवाज दिसो आज असांजे शहीद युवा शहीद थियो तो भारत के इतिहास में भगत सिंह जी राजगुरु जी से और चंद्रशेखर जी से प्रेरणा लेकर सबसे कम उम्र के शहीदों में अगर एक नाम आता है तो वो है वीर अमर शहीद हेमू कालानी का। तो उनके सम्मान में हमारी आवाज इतनी बुलंद होना चाहिए, वीर अमर शहीद हेमू कालानी, शहीद हेमू कालानी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक थोड़ा बोल दीजिए ना देवीलाल जी, मान वारा माननीय ओम बिरला जी के स्वागत जलाए आमंत्रित तो कया विनोद जी, विनोद जी ताली में कंजूसी ना कंजो, आयो लाल सबई चौ, आयो लाल सबई चौ, राजू मनवानी जी अच्छे सामने सर, वे भी सम्मान करना ओम बिरला जी जो अकील अहमद जी जेके डायरेक्टर है एनसीपीएसएल जा वो भी सम्मान करना, आई एस एन जी श्रीमती निर्मला वाधवानी पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री गुजरात सरकार जी वो भी ऐसे विच में दीदी निर्मला जी सामने सर, ओम बिरला जी स्वागत करना, जोरदार ताली बजा कर स्वागत करना सर। मैं निमंत्रण दूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के सम्मान के लिए नारायण बबलानी जी अध्यक्ष सिंधी हेरिटेज फाउंडेशन के, श्रीकांत भाटिया जी सम्मान सिंधी हमारे वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी, मनोज सिंधी जी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश दिल्ली युवा एकता मंच और भरत बटवानी जी अध्यक्ष सिंधी प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली। हाँ जी सर सामने देखिए सर एक बार सर साथ में डॉक्टर, हाँ जी सर सुभाष सरकार जी सम्मान जलाए नितिन कालरा जी, चंदीराम चावला जी, श्रीमती कंचन गिदवानी, श्री अजय शिवानी जी के जोरदार ताली बजाए करे वहां आमंत्रित तो क्या ताली बजाए करे सम्मान करना से असा जे विच में उपस्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के सम्मान जलाए मां सारिका बतवानी जी, राजा मानवानी जी, रवि भाटिया जी, दीपक बाबा जी के आमंत्रित कर लूं तीर्थ नकुल माफ करो एंड में मिलेगा जो मिलेगा ऑप्शन उसका उसको मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा श्री मोहन आहूजा जी से, श्री महेश सुखवानी जी से, किशोर किंगरानी जी से वे आए और हमारे सांसद शंकर लालवानी जी का सम्मान, नहीं नहीं आप हमारे श्री संजय हवलानी जी, श्रीमती सोना कस्तूरी, श्री विशाल गिदवानी और श्री दिलीप पाटा जी से आग्रह करूंगा कि वे चेयरमैन विश्व सिंधी समाज दिल्ली के श्री लक्ष्मीचंद मकरानी जी का सम्मान करेंगे। के सम्मान के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा।
हमारे संजय अहलानी जी ओम बिरला जी का सम्मान कर रहे हैं। इंदौर से पधारे समाज से भी राजा माधवन जी ने सम्मान किया। दीपक बाबा जी, सोना कस्तूरी जी, रवि भाटिया जी, अजय शिवानी जी, प्रकाश लालवानी जी से आग्रह कहूंगा कि वे आए और हमारे दिल्ली भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी का सम्मान। श्री सुभाष सरकार जी का माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी का भी सम्मान मंच से किया जाएगा। प्रकाश लालवानी जी कृपया आए, जय ककवानी जी कृपया आए हमारे बीच में, माधवदास कालरा जी कृपया आए। कट्टी मारो लगातार लेता हूं, कट्टी मार रहा हूं, कट्टी मारो। सुभाष सरकार जी के सम्मान के लिए लालवानी जी आए, वो भी सम्मान करें। मनोहर कर्णावती जी भी आए, वो भी सम्मान करें आज के हमारे ओम बिरला जी को। आज के स्वागत के ऐसे हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्म प्रधान जी, उन्हीं के विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय सरकार जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गुप्ता जी, मंच पर विराजमान मकरानी जी, यहाँ उपस्थित संतगण, देश के कोने कोने से आए हमारे भाई और बहनों, आज शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहीद हेमू कालानी के बारे में हम सब जानते हैं और ये भी हमें मालूम है कि किस स्थितियों परिस्थितियों में उन्होंने सिंध में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने आजादी के आंदोलन में बचपन से ही कूदकर आजादी के आंदोलन में भाग लेकर, और जब रेलवे की पटरियां तोड़ रहे थे तब उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जेल हुई, आजीवन कारावास। लेकिन उस आजीवन कारावास में एक मिनट मोटारी जी, एक बोला रे पुलिस को फोन मार यार, कमल आई को फोन मार दो सीधा। जब रेल की पटरियां फाड़ रहे थे उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल में वो आजीवन कारावास हुआ, और आजीवन कारावास के बाद उनसे जब कहा गया कि आप अपने साथियों का नाम बताएं, जब उन्होंने साथियों का नाम नहीं बताया तो उस समय उनको फांसी दी गई। इसे युवा क्रांतिकारी जो कि 19 साल की उम्र में ही उनको फांसी दी गई। इसे बहुत सारे क्रांतिकारी ये बाहर चित्र लगाए हमने। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी जब संसदीय दल की बैठक थी, उसमें उन्होंने बात कही थी कि इतिहास के पन्नों को हमको वापस नई पीढ़ी के सामने लाना पड़ेगा। और मुझे ध्यान है जब आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब हम सभी सांसदों से कहा था आप अपने अपने क्षेत्रों में, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमें भी नहीं मालूम था कि आजादी के आंदोलन में जिनको इतिहास में हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो जानकारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैं मेरे इंदौर में एक प्रकरण बता रहा हूँ। एक परिवार है जो आजादी के आंदोलन में कूदा था और उसके बाद उनको जेल हुई, पति पत्नी थे, उनके बच्चे भी नहीं थे, मारोटिया बाजार में रहते थे, किराने की दुकान चलाते थे। उन नामों को समाज के बीच में लाना पड़ेगा जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम में हम लाएंगे। हेमू कालानी का जो ये अमृत महोत्सव के अंतर्गत शताब्दी वर्ष है, हम प्रयास करेंगे कि 75 शहरों में 75 कार्यक्रम हो और उसकी शुरुआत आज हमारी दिल्ली से हो गई है। तो मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय ओम बिरला जी के बारे में जब भी मैं सिंधी समाज की बात लेके जाता हूँ, मैंने सिंधी में भाषण भी दिया था लोकसभा में, पहली बार लोकसभा के इतिहास में पहली बार सिंधी में भाषण दिया था, तब आदरणीय ओम बिरला जी ने ट्रांसलेटर की ओम बिरला जी ने, दुबई में भी हमारे जो समाज के लोग थे, जब मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे समाज के लोग मिलना चाह रहे हैं तो उन्होंने बोला आप बुला लीजिए, हम पूरे समाज के लोगों से मिलेंगे। तो हमेशा ओम बिरला जी समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं निवेदन किया कि समाज के ये अमृत महोत्सव में जो उनका विभाग है NCPL, उस NCPL के माध्यम से भी ये कार्यक्रम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे देश में NCPL के माध्यम से अमृत महोत्सव के अंतर्गत हेमू काला
हमारे कार्यक्रम हो, ये हम निवेदन से अनुरोध करते हैं आपसे माननीय मंत्री जी से। तो मैं पूरी समाज की ओर से, देश की समाज की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि ये समय उन्होंने सीमित दिया हमें। मुझे और भी बातें कहनी थी लेकिन फिर दावा की आयो, मैं सिंधी आया हूं, अवधिक शाहूकार हुआ सम्राट जीता। नमस्कार नमस्कार माननीय श्री ओम बिरला जी, हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा, हमारे माननीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और माननीय इंदौर की सांसद श्री शंकर लाल वाणी जी, दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सभापति अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार जी, श्री लक्ष्मीचांद मकरानी जी, माननीय राजीव दत्त जी, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और बहनों और मीडिया के सभी साथी, आज शहीद सरदार भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी और शहीद सुखदेव जी की बलिदान की याद करते हुए और शहीद हेमू कलानी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होकर कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। मैं आप सबके साथ एक श्लोक सगा करना चाहूंगा। मित्रानि धान धन्यानि प्रजानं सम्मतानि व जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद विगरीयसि। अर्थात मित्र और अनाजों की इस संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन माँ और मातृभूमि स्वर्गों से भी बढ़कर है। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के महान सुपुत्र सुपुत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक घटना है। हर भारतीय ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 20वीं सदी के महान क्रांतिकारी हेमू कलानी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक है। हेमू कलानी जी का जन्म सिंध क्षेत्र शिवकर में हुआ था। वो बेसुमल कलानी जी और जेठी बाई जी के पुत्र थे। हेमू कलानी जी के स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुई। साथ ही उस सरदार भगत सिंह और उनकी शहादत से भी प्रभावित थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। हेमू कलानी जी जन आंदोलन में भी शामिल हुए। अक्टूबर 1940 में हेमू कलानी जी के पता चला क्या अंग्रेज सेना के साथ गोला बारूद ट्रेन से सिंध पहुंचेगा,
वो ट्रेन उनके शहर से गुजर गई। उन्होंने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट हटाकर ट्रेन की पटरी से उतारने का फैसला किया था। हालांकि इससे पहले कि वे यह काम पूरा कर पाते, वो अपने साथियों को बचाने के प्रयास में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़े गए। लेकिन क्या हुआ, देखिए, हेमू जी को अपने साथियों को नाम बताने के लिए कैद कर प्रताड़ित किया गया, प्रभावित किया गया। बहुत ही हेमू जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने किसी भी जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। सिंध के वासियों ने वायसराय से दिया गया जांची का दायर की, लेकिन शर्त यह थी कि हेमू जी अधिकारियों को अपने साथियों को पहचान बताया। लेकिन हमारे हेमू कलानी और नहीं किया, हमारे हेमू कलानी नहीं किया, इससे इनकार कर दिया। इसके कारण उनको जो उम्र कैद को बढ़ाकर उनको फांसी को सजा दे दिया। मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष बोस के आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ अधिकारी ने हेमू कलानी जी के बलिदान के लिए उनके परिवार की स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिंधी प्यार से हेमू कलानी को सिंध का भगत सिंह भी कहते हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 अगस्त 2003 को संसद भवन परिसर में शहीद हेमू कलानी की शहादत को नमन करते हेतु उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। हेमू कलानी की शहादत आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। भारत माता के ऐसे वीरों का इतिहास हमेशा याद रखना है। भारत के स्वतंत्रता दिलाने में लाखों लोगों की भूमिका रही है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में कुछ लोगों के नाम किताबों में अंकित हुए हैं। इसके लिए हम हेमू कलानी का नाम स्मरण करना चाहिए, सबको बताना चाहिए। कई ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में भी रहे थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपने प्राण त्याग दिए और हमें उनको नाम तक नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन नायकों और नायिकाओं के जीवनों को जन जन तक पहुंचाने की सराहनीय पहल की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि स्वराज्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें आपने प्राणों की आहुति देने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह अमृतकाल हमें एक मजबूत विकसित और समावेशी भारत की दिशा में काम करने का मौका देता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस स्वर्णिम काल में हमें स्वतंत्रता संग्राम के जुड़े अनेक प्रेरक कहानियां अपने नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। अपने घर घर में अपने बच्चे, अपने पोता, उसको भी बताना चाहिए, उनको भी ये समझना होना चाहिए। ये काम हम इस सभागार के ये संदेश हम लेकर पहुंचेगा तब आज के कार्यक्रम सफल माना जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है।
वीर नायकों और नायिकाओं को कहानी के माध्यम से हमें अपने बच्चों में देश प्रेम की भावना जगा सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ ही हम भारत के प्रगति पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम को सराहनीय आयोजन हेतु बधाई देना देता हूँ। आशा है भविष्य में भी आप राष्ट्र हित में इसी तरह कार्य करते रहेंगे। अंत में मैं महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के एक कविता साझा करना चाहूंगा। ये मातृभूमि तेरी जय हो, सदा भी जय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति क्रांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग को महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। ओ भक्ति देव की बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले। ओ शक्ति दे की दुख में कायर ना ही हो, हृदय हो। धन्यवाद भारत माता। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सुभाष जी सरकार जी, बड़े ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात को रखा। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री धर्मेंद्र जी प्रधान, माननीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जी से कि वे आए एवं सदन को संबोधित करें। माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आज की इस भव्य कार्यक्रम में हम सभी को मार्गदर्शन करने हेतु उपस्थित दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र के लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला जी मंच पे विराजमान, शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष सरकार जी, इंदौर से लोकसभा प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे मित्र शंकर लालवानी जी, लक्ष्मी चंद जी दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मित्र आदेश गुप्ता जी, मित्र राजन जी, मंच पे उपस्थित अन्य सभी महानुभव और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं मेरे मित्र शंकर लालवानी जी को धन्यवाद देता हूं। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वास्तविक सिंधी समाज जब यहां उपस्थित है, क्या हमें कहना ये उचित होगा आजादी 1947 में हमको मिली, आप लोगों की जिंदगी में तो 1947 त्रासदी लाया। इतने दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देश 15 अगस्त को आजादी के दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, देर सही प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को त्रासदी दिवस के रूप में देश की जो एक भयानक स्थिति हुई थी, जिसकी जीता जागता ये सिंधी समाज है, वतन को छोड़े, अपने लोगों को छोड़े, जमीन जायदाद व्यवसाय कारोबार
किस परिस्थिति में हमको छोड़ना पड़ा। कभी कभी मैं इतिहास को पढ़ता हूं, क्या सिर्फ अंग्रेज आने के बाद या धर्मीय आधार पर देश की विभाजन होने के बाद ये स्थिति बनी। प्रकृति माता ने आप लोगों को दुनिया की जिस भूगोल में रखा था, भारत की जिस हिस्से में आपको रखा था, पश्चिम इलाका में, जब यहां इस देश में मुगल आक्रमण हुई होगी, विदेशी आक्रांताओं ने आए होंगे, तो आप ही को तो कुचल के आए होंगे, आप ही तो उनके संघर्ष को उनके साथ, आप भी तो मुगल काल में लड़ाई किए होंगे। तो ये संघर्ष की गाथा सिर्फ 75 साल की नहीं है, ये दुख की कहानी सिर्फ 75 साल की नहीं है। अगर आप उस फ्रंटियर को, उस सीमा को नहीं संभालते तो शायद आज देश इस रूप में भी नहीं होता और कहां तक चित्र ले जाता। और आज देखिए संजोग हेमू जी के आज शताब्दी हम मना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आज के दिवस पे हम सब शपथ करें, उत्तरासदी को ना भूलें, सिर्फ अंग्रेजों की आक्रमण को ही याद ना रखें। हम सदियों से ये जो देश है, इस देश में कई सदी तक जो आपने पश्चिम के क्षेत्र में लड़ाई की है, एक भौगोलिक इलाका को सिर्फ बचाना नहीं। मैं जब इस अध्यक्ष जी के साथ, लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ इस सभागार में आ रहा था, आपकी मिजाज को पढ़ रहा था, आपकी मिजाज की अनुभव कर रहा था, एकदम एक जॉयफुल एटमोस्फियर, एक आनंद, एक उत्साह, एक उमंग से भरा हुआ समय। आपकी चरित्र को, आपकी गहराई को और आपकी स्वभाव को प्रमाणित करती है। अभी अध्यक्ष जी मेरे कान पे कह रहे थे, मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमारे गांव में भी, कोटा में भी समाज की बहुत बड़ी उपस्थिति है। उन्होंने आपको प्रशंसा करते हुए, आपके सामाजिक चरित्र को बताते हुए मेरे को कहा कि सिंधी समाज की एक विशेषता है, कोई भी नौजवान खाली नहीं बैठता है, सब काम पे लग जाते हैं, एक उद्यमियों का समूह है। ये सभागार उसकी एक मिनी प्रारूप है। मित्रों, इस बड़े देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह से, ये कभी संभव नहीं था या नहीं हो सकता था, दो चार लोगों की मेहनत से इतनी बड़ी भूखंड आज आजादी प्राप्त किया। लेकिन आजादी की 1947 के बाद ये एक कोशिश किया गया, एक नाकाम कोशिश किया गया, जैसे एक दो संज्ञा टाइटल वालों ने ही इस देश को आजादी लाई। हेमू काला ने कहा है, इसीलिए ही प्रधानमंत्री कहा कि जाओ इस आजादी के अमृत काल में हम लोग ये संकल्पना करें कि देश को आजादी दिलाने के लिए गिलहरी की भूमिका सही या हनुमान की भूमिका सही, जिन्होंने भी योगदान किया, यही क्षण है, ये कृतज्ञ राष्ट्र की दायित्व बनता है ये सारे महानुभवों को सम्मानित करना। इसलिए मेरा सौभाग्य है आज हम हेमू कालानी जी की शताब्दी समारोह को श्री गणेश कर रहे हैं, दूसरी सौभाग्य है लोकसभा की स्पीकर साहब की उपस्थिति में कर रहे हैं। मैं दो तीन विषय कहना चाहूंगा। हम सिंधी समाज में त्रासदी दिवस को ना भूले। अभी हमारे शंकर भाई कह रहे थे कि अगले 14 अगस्त आज से तैयारी शुरू होनी चाहिए। त्रासदी क्या है आपकी जुबान में ही है, बहुत सारे अनुभवी और बहुत मेरे गुरुजन लोग यहां बैठे हैं, चंद सालों के बाद वो डिक्शनरी भी खत्म हो जाएगा। अभी समय आया है उसी को
इकट्ठा करना, इसको संकलित करना, इसी को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। जो समाज अपने घर की, अपनी विरासत की कष्ट को नहीं समझेगा, उल्लास की क्षण को नहीं समझेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से, मैं जानता हूं आपके मन में NCPSL की प्रारूप बनाने में विलंब हो रहा है, एक दो लोगों के मन में इसकी बात भी चल रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, उसकी प्रक्रिया पूरा हो गई है, जल्द ही उसकी एक नया प्रारूप आपके सामने आएगा। प्रारूप आने के साथ साथ ये देखिए संयोग है, हेमू कालानी की शताब्दी मनाएंगे, NCPSL की नया प्रारूप भी आ जाएगा, नया नेतृत्व आ जाएगा, नेतृत्व यही है। लेकिन भारत सरकार की वो संस्था आने वाले दिनों में सिंधी सभ्यता, साहित्य, संस्कृति, जो भाषा के आधार पे है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेमू कालानी जी की जीवनी के ऊपर किताब हो, उनके बारे में डाक टिकट हो, उनकी समारोह देश की सिंधी आबादी में बनानी हो, लोकसभा में उसकी विशेष चर्चा हो, ये सारा रचना हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। NCPSL उसकी आप लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, बरकरार रखना, ये हम सभी की जिम्मेवारी है। आज ऐसे ही एक पवित्र उत्सव में हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को, आपकी पुराने विरासत को, सदियों की सभ्यता को, आपके जज्बा को प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धर्मेंद्र जी, प्रधान साहब। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य मेहमान, मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका सम्मान करें। मैं बड़े आदर के साथ श्री ओम जी बिरला साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और आज के कार्यक्रम में संबोधित करें। माननीय श्री ओम जी बिरला। जय झूले, आयो लाल सबे झूले लाल। आज पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है। आज के दिन ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका बलिदान हुआ था और हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया और आज कई दिन हम हेमू कालानी जी का शताब्दी समारोह भी मना रहे हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। साथियों, शहीद हेमू कालानी जिनका बलिदान आज सारा देश उनको याद करता है कि बहुत कम उम्र के अंदर देश के प्रति समर्पित, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना जीवन देने वाले हेमू कालानी जी ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया। लेकिन उनकी शहादत इसलिए भी याद रहती है कि उन्होंने अपने आप को फांसी पे फंदे पर लटकने का निर्णय करते समय उन्होंने कभी अपने साथियों के नाम नहीं खोले।
सारा दोष अपने ऊपर लिया। इतनी कम उम्र में शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान आज सारा देश याद करता है। सिंधी समाज एक पुरुषार्थ समाज है, जिन्होंने पुरुषार्थ के साथ अपनी जिंदगी को जिया है। जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय लाखों लोग सिंधी प्रांत से वहां के अत्याचार जुल्म के कारण देश से पलायन करकर भारत आए, एक शरणार्थी की तरह अपना सब कुछ छोड़कर वो भारत आए। लेकिन उन्होंने भारत में आकर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मयोगी से उन्होंने इस देश में एक स्थान बनाया। आज जब आजादी की 75 वर्ष की यात्रा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय सिंधी समाज का योगदान भी भारत हमेशा याद रखता है। सिंधी समाज एक पुरुषार्थ समाज है, जिसने छोटे छोटे व्यापार के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, एक पुरुषार्थ के माध्यम से इस देश का गौरव सम्मान बढ़ाया। सिंधी समाज का चरित्र कर्मयोगी है। यहाँ पर पूरा परिवार, यहाँ की महिलाएं हों, यहाँ के बच्चे हों, उनके संस्कारी कर्मयोगी के हैं और हमेशा मेहनत के आधार पर, कर्म के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को जिया है। केवल अपने लिए नहीं जिया, इस देश के अंदर ये सिंधी समाज ही है जिसका एक चरित्र है सामाजिक सेवा का, एक आध्यात्मिक धर्म को मानने वाला है समाज। भूखे को भोजन कराना हो तो भंडारे लगाने का काम सिंधी समाज ने किया, प्यासे को प्याव लगाकर पानी पिलाने का काम सिंधी समाज ने किया। आज भी देश के अंदर आप चले जाएं, सबसे पहले अगर भंडारे की शुरुआत करियो, किसी को पानी पिलाने की प्याव की शुरुआत की हो, धर्मशाला राहगीरों के लिए धर्मशाला बनाने की बात हो, स्कूल बनाने की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो, ये समाज एक ऐसा समाज है कि अपने कर्मयोगी के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, जहां उन्होंने एक पुरुषार्थ से अपने पैरों पे भी खड़े हुए, वहीं अपने चरित्र से उस समाज की सेवा करने का भी काम किया। यही नहीं, देश से बाहर भी किसी भी हिस्से में चले जाए, अभी हम कुछ दिनों पहले हमारे मित्र शंकर लालवानी जी के साथ दुबई गए थे, वहां भी सिंधी समाज ने किस तरीके से, जब वहां पर पीने का पानी नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, उस समय लोग पहुंचे और वहां पर अपने कर्मयोगी के द्वारा मेहनत के आधार पर काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, दुकान पर नौकरी करने गए थे, लेकिन आज वो लोगों को काम दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और वहां के लोगों के जीवन के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान। और इसीलिए ये कर्मयोगी समाज इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हेमू कालानी जी का शताब्दी वर्ष मना रहा है। हम सब हेमू कालानी जी के बलिदान को स्मरण करते हुए अपने कर्मयोग के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र और देश में इसी तरीके से समर्पित होकर काम करते रहेंगे। हमने 75 साल की यात्रा पूरी की है, जब आज़ादी के 100 साल हो तो दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति पे हो और उसमें सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है।
दिन में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बोले भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा आपसे, ये कार्यक्रम हम अनायास जोड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ओम बिरला जी। सिर्फ दो मिनट का आपसे समय लेंगे। मीनाक्षी दीदी उत्तराखंड से सीधे आई, तो मैं चाहूंगा नंदिनी शर्मा जी, हीना जी, महेश छाबड़िया जी, भगवान मोटवानी जी, पूरे समाज की तरफ से इनका स्वागत करेंगे। मीनाक्षी दीदी लेट होंगे उत्तराखंड से सीधे। एक हमारा आए हुए अतिथि भैया में भी भारतीय सिंधी संस्कृति को बढ़ाने वाले आए भाई मनोज वर्तमानी जी का भी आप शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। मैं हमारे आइए दीदी, मैं अपनी इंदौर से आई हुई सिंधु संस्कृति परिषद की टीम से निवेदन करूंगा जल्दी से मंच पे आ जाएं। 100वां साल जो है जन्म शताब्दी वर्ष, हम ये भाई साहब से मैं चाहूंगा माफी चाहते हुए, कार्यक्रम मैंने अनायास जोड़ा है, तो पूरी सिंधु संस्कृति परिषद की टीम स्टेज पे आ जाए जल्दी से, और माननीय अध्यक्ष जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और पूरी संगत के साथ ये दो मिनट का छेद आपके लिए प्रस्तुत है, जरा जल्दी आए। आयो लाल सभी चो जल्दी चालू कर दीजिए।
शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री सरकार जी, आयो लाल सभी चो, हमारे आदेश गुप्ता जी, राजीव तिवारी जी, हाँ हाँ करेंगे भैया, अभी साढ़े सात साढ़े सत्रह लगे नहीं ऐसा जो कार्यक्रम बंद हो क्या हाल चाल है? अरे क्यों नहीं साहब, कहाँ रहते हो आप? मैं सूरत रहता हूँ। सूरत आ रहा हूँ मैं। आ रहे हो? हाँ, 17 तारीख को। हाँ, इनकी तो बात कर रहा था मैं आप। हाँ, काम ये भी कर सूरत कर रहा हूँ। हाँ, मारे आशीर्वाद बढ़िया है। डांस ग्रुप भी ढा सुा अव मेहरबानी करे बेहो साढ़े सते में ढो सुो रंगारंग कार्यक्रम उनका बाद मानी गड खाइंदे पांजे ला एक बार ताली बजाओ आयो लाल सभी चो Oh God.
पर साजन जा नाला की न बुधाया उड़ भी ये सालन जे बालत जो जिगर हो जोश जवानी उड़ भी ये सालन जे बालत जो जिगर हो जोश जवानी नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी हेमू कालाणी 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 दुश्मन करते पीटो आए छद सुस्ती ना दानी दुश्मन करते पीटो आए छद सुस्ती ना दानी कर मजबूत जड़ू भारत तू जीवन आला सानी हेमू कालाणी हेमू कालाणी हेमू कालाणी हेमू कालाणी
Good morning.
वियासी पर पहरी मा हते आमंत्रित कंदस असन जे अमरावती जे संत श्री राजेश लाल साई जी के आयो लाल सबई जो आज केतरो खुशी जो डिया 100 साल पूरा थी वे असन जे बीच में संत महात्मा आयलन तो मां चाहिंदम जेतरा भी असन जे दरबार खा संत महात्मा आयलन मोहन आहुजा जी महेश सुखवानी जी मंच ते हुनन के वठी अचन देवेंद्र सिंह जी नामदारी संगत जी से आप भी मंच पे आ जाएं एक बारी मान सम्मान संत महात्माओं का जो आशीर्वाद वठी रहे कि सिंधी समाज में एक और रहे यही जी अज असा पावरफुल थी करे पेंजे सेंटर मिनिस्टर के पावर दिखारिया अगर यही असा पावर दिखारंदा से तो असो भा शंकर लालवानी जल्दी कोई ना कोई मिनिस्टर की पोस्ट अची वो आयो लाल सभी चो एनसीपीसीएल हो चाहे कोई अकेडमी हो सभी दादा असा भावर आयल हाँ डॉक्टर लायन मजवानू राजू डॉक्टर लायन राजू मनवानी जी विश्व सिंधी सेवा संगम इंटरनेशनल चेयरमैन स्वागत कंदा शंकर लालवानी जी जोरदार तालियों 117 कंट्रीज में 28 स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट सिंधी समाज जा नारायण बाबलानी जी सिंधी सिंधु हेरिटेज फेडरेशन एनआरआई खां अची करे स्वागत हाँ देवीलाल लालवानी जी नरेश वतवानी जी मनोज सिंधी जी पंचायत का असांजे खानपुर का असांजो किशोर कंजरानी जी हाँ मोटवानी जी भगवान दास मोटवानी जी पंचायत जेतरा भी प्रेजेंट आए रूपचंद गरीबदासानी जी जनकपुरी खाओ चंदी राम चावला जी पीतमपुरा पंचायत खाओ भगवान दास मोटवानी जी सिंधी पंचायत कमला नगर खाओ सिंधु समाज राजेंद्र नगर खाओ इंद्रप्रस्थ सिंधी यूथ खाओ भाटी माइस खाओ हरी राजेश आसवानी अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा किशोर किंगरानी जी भाटी माइस खाओ तरुण एनक्लेव का पुज सिंधी पंचायत सभी मंच से अची वन सभी जो हित दिल से आभार आ भागचंद जी मुरलीधर धलवानी जी जहांगीरपुरी खाओ श्रीचंद जी भाटी माइस खाओ सभी अचो भाई अचो लक्ष्मीचंद मकरानी जी स्टेज से अची वन इन सभी जो स्वागत करन संत कंवरराम मंदिर खाओ लाजपत नगर खाओ असाजा भावर आइलैंड पटेल नगर श्याम बंबानी जी हीरो ठाकुर दादा हीरो ठाकुर असाजा राइटर सिंधी राइटर देवीलाल लालवानी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा मनोज गोगिया जी भूपेंद्र कंसल जी सिंधु दर्शन यात्रा सभी के बुधाईंदे हुए खुशी थी थे इस बार सिंधु दर्शन यात्रा भव्य रूप में पूरे भारत वर्ष से लगभग हजारों की संख्या सिंधु नदी के किनारे ऐसा भव्य कार्यक्रम करने जा रही है जिसका श्रेय हमारे भूपेंद्र कंसल जी पूरे समाज को जोड़ते हुए सिंधी जागृति सभा से महेश जी जगदीश चांदवानी जी वीएसएस से कोई पंचायत आयोजित मयूर विहार हरीश बिलवानी जी गुरदयाल पाहुजा जी श्रीचंद जी गदईपुर से इंद्रप्रस्थ सिंधी यूथ शालीमार पुज्य सिंधी पंचायत से मोहित सचदेवा जी सोन मोनू जी मनीष जी प्लीज द्वारकादास भटेजा सेक्टर रोहिणी से रवि राजानी विनय भटेजा सिंधी मौज मस्ती से दिलशाद गादक पुज्य पंचायत राय सिंघानी जी चित्रा जी नोएडा से महिला प्रेसिडेंट कामना रमानी जी महेश खेटवानी जी सच्चादन परमान साई परमानंद भंडार से दास सच्चादन खेटवानी जी सभी का शंकर लालवानी जी अपने हाथों से स्वागत कर रहे हैं सिंधी समाज को एक माला में प्रयो करके ये आपको एक वो कह रहे हैं सब हम सब एक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा कुछ भी कर सकता है मनोहर लाल रुकवानी जी साई परमानंद भंडार श्रीकांत भाटिया जी मीडिया चेयरमैन सबने मीडिया के मैनेज किया हुआ साई सुरेंद्र जी अयोध्या खाओ साई सुरेंद्र जी प्लीज
साईं सुरेंद्र जी अयोध्या का स्पेशल आयल है। अशोक अशवानी असो यूपी जो सिंधी नेता साईं सुरेंद्र जी आइए मथे अचो। गुड़गांव का पपीता अंगवानी भूपेंद्र कंसल जी आ जाओ। जागृति सभा से नरेश भाटिया जी, सुरेश रत्नानी जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सदस्य आयु भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी सिंधु दर्शन यात्रा जी के लिए आपको संबोधित करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार। हम सभी को ध्यान होगा कि हर साल लेह लद्दाख के अंदर सिंधु मैया के किनारे हर साल सिंधु दर्शन यात्रा करके सिंधु दर्शन यात्रा समिति की तरफ से ये आयोजन किया जाता है। आप सबको मैं आमंत्रित करने आया हूँ 23, 24, 25, 26 जून 2022 आप सभी लोग उस सिंधु मैया के दर्शन के लिए। सबको ऐसा लगता था कि शायद सिंधु मैया के दर्शन अब नहीं हो पाएंगे, लेकिन हर साल इस साल 26 साल हो गए उस नदी के किनारे वही मस्ती वही धूम और उस सिंधु मैया के दर्शन के लिए देश भर से सभी लोग वहां आते हैं। आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं और एक पत्र उस यात्रा के आप सबके पास हम भेज रहे हैं सिंधु दर्शन यात्रा समिति की तरफ से। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप सब लोग आए ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। हाँ, पूज्य सिंधी पंचायत शालीवाल बाग स्वागत करना चाहती है शंकर लालवानी जी का। जयदेव बालाजी स्वागत करेंगे और पूज्य सिंधी पंचायत खानपुर से देवली से किशोर रंगनानी जी की पूरी टीम स्वागत करना चाहती है शंकर लालवानी जी का। देवेंद्र सिंह जी सात संगत के साथ हमारे बीच में आए हैं। नामदारी संगत श्री सदगुरु दिलीप सिंह महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद सिंधी समाज को है, हिंदू धर्म को है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी सात संगत ऊपर बैठी हुई है, हमारी माताएं हमारी बहनें आज हेमू कलानी का जन्मदिन मनाने आई है 100वां। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। साईं बयाल दास जी सचो सतराम धाम जे अगर धाम ते कोई न वे साकेत में हर विश्व प्रोग्राम थी उते वही करे गुरु जो आशीर्वाद वी सकता है। अयोध्या का साईं सुरेंद्र सिंह जी आयल सचो सतराम सिंधी पंचायत नोएडा से चित्रा सहजवानी जी प्लीज आपका स्वागत करेंगे शंकर लालवानी जी। किशोर किंगरानी भगत किशन जी मोहन जी खुराना जी जितना भी सदस्य असा प्रमुख पंचायत जो एक मिनट असा साईं जवाहर जलगांव का है अमराती का जलगांव मिला एक मिनट ला थोड़ा थोड़ा प्रमाण की सलाह चाहिए एक मिनट ला छोकर साईं जन की गाड़ी आ लेट था थन ये ताके निंड देना है आए जगह निंड देना है उन्हें बारे में वो मिनट बुधाई था असा सभी को ते पहुंचना है साईं ताओ पिजी गाल रखो। जय झूलेलाल जय कंवरलाल सिंधिन जी सुजान साईं झूलेलाल साईं साईं कंवरराम साहिब और हेमू काला जी ये टे स्तंभ है जो पूरी दुनिया में पानी सिंधिन जी सुजान है उन्हीं मो असो सौभाग्य में जो नसीब कि मां संत कंवरराम परिवार में जन्म मिलो आज उन्हीं जो धाम जो संत कंवरराम धाम अमरावती में कम शुरू थी रो पूरो स्टोन जो पिंक स्टोन जो ठांदो कल राजस्थान अचान थो उतें पत्थर वो जो पिंक स्टोन फाइनल थो तो भा शंकर लाल सा लालवानी साहब से ऐलान थो उनको एडो वो प्रोग्राम आ दिल्ली में तुम इतने अची करे सारी संगत के
यो प्यार भरो सड अमरावती में 28 अप्रैल समर्पण संस्था खाओ हरीश लालवानी जी अनीता जी भाई मंच ते अची करे स्वागत लालवानी साहब कंदा पूरो सचो सतराम धाम दिल्ली साकेत स्वागत कर रहे हैं साईं जन जी आशीर्वाद दे रहे हैं शंकर लालवानी जी के पूज्य सिंधी बच्चा छांगीपुरी किशन कुमार ढालवानी मुरलीधर ढालवानी जा भा पूरी बस वठी करे आया हैं स्वागत कंदा शंकर लालवानी जी श्री दुर्ग ध्रुव रजवानी विश्व सिंधी सेवा संगम यूथ विंग जा सनी डेसरवानी पूरी टीम का गड उनको स्वागत कंदा शंकर लालवानी माना तो माना ठाकुर वीरभान जी झूलेलाल जी जा वंशज तरुण मिटकलेव का स्वागत कंदा शंकर लालवानी जी चतुर्फुट भाटी माइस का हो सिंधी समाज जा पाकिस्तान का आयल सिंध असाजा 72 परिवार इतने आयल हैं उन्हें जी पारो स्वागत कंदा शंकर लालवानी जी सभी अच्छी करे शंकर लालवानी जी स्वागत कर जाओ जी हरीश जी हरीश लालवानी जी पूरो सिंधी समाज आप हिने का पो असाजे विच में आए पंकज जेसवानी विश्व विख्यात अगर तानालो बुधिया पंकज उदास जो तो हो ही ऐसा जो सिंधी समाज इंटरनेशनल सिंगर पंकज जेसवानी ताजे उच्च बच्चे वालों निशा खेतवानी जी जिसका स्वागत हो चुका है वो मंच के नीचे आ जाए प्लीज मंच की गरिमा हमारे शंकर लालवानी जी ऐसे नेता हैं बड़े साधारण व्यक्तित्व सिंधी समाज के प्रखर चिंतक सब मैं सभी के निमाणी व्यक्ति की सिंधी समाज का पंडित पूज्य पंडित जी पाकिस्तान का आयलैंड स्वागत कंदा शंकर लालवानी जा उनका आशीर्वाद वठंदा नागरिकता न मिली तहजी नागरिकता के लिए लैटर असा दियो तुम लैटर अगत वजह भाई सभी के निवाड़ी वीती हाँ हेठ अची वे मंच का कलाकार विशेष रूप से इंतजार था कर सभी दर्शक जन जा जय झूलेलाल जेके भी मंच ते आए उन्हें सभी सा वेनती है ता कलाकार पाने परफॉर्मेंस दे करन जे ला बेसब्री से इंतजार कर रहे दिलीप मन सुभानी बिगरे का हां सिंधु सभा भारतीय सिंधु सभा राजेश अश्वानी पूरी टीम का भारतीय सिंधु सभा हर वर्ष हेमो करा दीजिए माला अर्पण कर दिया पार्लियामेंट में आज भी पूर्व भारतीय सिंधु सभा मनोज गोखिया जी जी पूरा समस्त परिवार राजन नागपाल जी ऐसा जो विचमैन सभी परिवार अच्छी करे ऐसा गड सुबह जो माला अर्पण विजी करे हेमो कलानी के आज हुनन के श्रद्धांजलि दिनिया हर एकरी विशेष एंट्री अचन वाली आज सेज तां दिठो अजलक हेरो प्रोग्राम असाजी भेंट देण वाली आ स्पेशल इंडोर खां हिनन एक प्रोग्राम ठायो आ तांजे लाए वो प्रोग्राम तांजे विच में बस 2 मिंट में अचन वारो आ मोहन आहुजा जी सभी को आप स्टेज के नीचे ले जाए प्लीज मोहन आहुजा जी नितिन कालरा जी महेश सुखानी जी पंकज जेसवानी जी का स्वागत करेंगे शंकर लालवानी जी शंकर लालवानी जी का स्वागत करो शंकर लाल जी स्वागत करो पंकज जी का हेलो आ जाओ एनसीपीएसएल द्वारा एक प्रोग्राम है बड़ा सुंदर सा कोई गीत है वो प्लीज मंच प्लीज मंच पे जो असाजा चेतरा भावर एंड ट्रे असाजा दिल्ली जा संयोजक है नितिन कालरा मोहन आहुजा महेश सुखवानी जी मुझे निमाने लेती मंच के मानन खोड़ असा के
असांखे शाबाशी बि ॾिनी ऐं हे आश्चर्य बि प्रकट कयो कि असांखे त ख़बर ई न हुई कि हेमू कालाणी नाव जो कोई सिंधी वीर बि आहे। त अॼु मां चाहींदमि कि मां तव्हां सां हिंदी में ॻाल्हायां, त अगरि रिकॉर्डिंग किथे हले बि सही त माण्हू सम्झनि कि असांखे हेमू कालाणी कीअं पंहिंजा प्राण न्योछावर करे ॾिनई मातृभूमि लाइ ऐं छा छा बलिदान कया, कीअं मातृभूमि जी सेवा कई एतिरे नंढे टाइम में सभु माण्हू ॼाणनि। हम सब यहाँ पर हेमू कालाणी जी के जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हेमू कालाणी जी की जयंती के साथ ही आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी बलिदान दिवस है। तो मैं चाहती हूँ लिया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने अपनी मृत्यु की परवाह न करते हुए फांसी के फंदे को अपनाना बेहतर समझा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है और ये आपको बताते हुए कि उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए और उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाना बेहतर समझा। उन्होंने भारत माता की जय जयकार करते हुए सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो आ रही है वो अब आ रही है, फील कर रहे थे कि उन्होंने भारत माता की जय जयकार करते हुए जेल में 7 पाउंड अपना वजन बढ़ाया था। मैं चाहूंगी कि आज हम सब मिलकर यह शपथ लें। आप से विनती करूंगी कि आप मेरे साथ खड़े होकर एक बार जो हेमू कालाणी जी ने बलिदान दिया है उसको ध्यान में रखते हुए शपथ लें। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग खड़े हो जाएं। यह शपथ लेते हैं कि जिस प्रकार सिंध के क्रांतिवीर हेमू कालाणी द्वारा केवल 19 वर्ष की अल्प आयु में राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उसी पद पर अग्रसर होकर
होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर भी हम भी अपनी जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि अपने युवा साथियों को भी राष्ट्र प्रेम के इस राह में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद, आप सबने मेरी रिक्वेस्ट मानी। थैंक यू सो मच। जागो जवानो देश पुकार खून में अड़ो रवानी मुल्क मता जय जान दिनी सा याद कयो कुर्बानी है मो कालाणी है मो कालाणी है मो कालाणी है मो कालाणी। जागो जवानो देश पुकार खून में अड़ो रवानी मुल्क मता जय जान दिनी सा याद अंग्रेजन का बदलो वठण जो हे मु कसम खा दो बम बारूद सा भरे लगारी केरा एण जो इरादो पेचे पाना खणी हलो पटरी ते रात विदानी पेचे पाना खणी हलो पटरी ते रात विदानी इंतकाम थे हमरो पर किस्मत कई बेमानी हे मु कालाणी 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 हे मु कालाणी। नंढड़े बालक के फिरंगिन के ना जुल्म हटाया मासी चढ़ी वे पर साथिन जा नाला की न बुधाया उणवीह सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी उणवीह सालन जे बालक जो जिगर हो जोश जवानी नर नारी की हर जुबान थी बोले सत्य कहानी हे मु कालाणी आहे पल पल व्यर्थ न करणो आहे
खेमो वांगुर जोश जगर में हाणे भरणो आहे दुश्मन दर ते बीठो आहे छन सुस्ती नादानी दुश्मन दर ते बीठो आहे छन सुस्ती नादानी करबत भूत जड़ू मारत तू जीवन आला सानी हेमो कालाणी हेमो कालाणी हेमो कालाणी जागो जवानो देश पुकारे खून में अणो रवानी मुल्क मता पहचान कनी सा याद कयो कुर्बानी हे मुकालाणी हे मुकालाणी हे मुकालाणी हे मुकालाणी जो अंतरराष्ट्रीय गायक पंकज जी तां जो इंतजार था करन दिसंदा पब्लिक घटना थी या मगर पंकज जेसवानी जी मधुल वाणी खां
जेस ताईं तव्हां भॼन न ॿुधंदो, राष्ट्र गीत न ॿुधंदो, तव्हांखे आनंद ई न ईंदो। पंकज जेसवाणी जे लाइ सभई चओ सिंधु दर्शन यात्रा में लेह लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे इस टीम द्वारा एक विशेष प्रोग्राम रखा जाएगा और इनसे हम निवेदन करते हैं कि आप सब हमारे साथ सिंधु ले चलेंगे। आयो लाल सभी चलो आये जी। पंकज जी, पंकज जी की इंतजार, अब कोई भी आना जाए मेरी निवाणी लेती है। कोई दुकान के लिए मरता है, कोई मकान के लिए मरता है, मगर मैं दावे से कह सकता हूँ जो इस हॉल में बैठा है वो मेरे प्यारे हिंदुस्तान के लिए मरता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो आपकी तरफ से ओए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मैं चाहता हूँ कुछ लोग नृत्य के लिए आ जाएं, जो भी अपने आप को जवान समझते हैं या आज बनना चाहते हैं आज ही नृत्य के लिए। नागपाल जी, राजन जी, भूपेंद्र जी, एक मिनट, हमारे बहुत बड़े भाई भूपेंद्र जी डायरेक्टर हैं CBSL, गोगिया जी, नितिन कालरा, आओ दो मिनट आओ, आ जाओ। अरे ये क्या होता है, बुढ़ापा थोड़ी आया, आ जाओ। ओ ये चौड़ी छाती हीरो की, या मोटी शक्ले हीरो क्या गाते हैं रांझे, ओए की आवाज नहीं आई। भान साहब रजिया जी, भान साहब आ जाओ। कामना जी, गाते हैं राजे मस्ती में, बजती है धूमे बस्ती में। ओ, दिल भर के लिए दिल हम, दुश्मन के लिए तलवार हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल के पीछे हट जाए। भारत माता की, ओ, नहीं दंगल शोक कमानों के, नहीं करतब तीर कमानों के, ज्ञान दिन्त मेले निदिन्त मेले लगते हैं, ढोल और ताशे बजते हैं। ओ, राहों में कतारे फूलों की, बाहों में कतारे झूलों की, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
और एक नया चैनल शुरू किया छबिया जी ने, मंच पे आ जाओ छबिया जी, राजन जी आप भी आ जाओ। जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान में, जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी बिक गई अपनी शान से, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला मिला दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हीना जी, हीना जी, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना सौ जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आस पुजाई
झूलण जी अज प्यारी कुर्बान वजा मां ज्योति सां जिंदड़ी पंहिंजी मारी हलो हलो रे हलो हलो रे झूलण जी ज्योति जगी को संबोधित सम्मानित किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान रखें। हमारे मंच को फिर एक बार सुशोभित करने के लिए शंकर लालवानी जी मंच पे हैं। मैं चाहूंगा हीना जी का स्वागत किया जाए बॉम्बे से, उल्लासनगर से। हीना जी उल्लासनगर में आए हैं, चैनल वाले हैं दिलेर सिंह। हिंदुस्तान में ना, हिंदुस्तान के बाहर भी जे के शख्सियत आई सिद्धियत में हर क्षेत्र में जे जे क्षेत्र में कम करन था पा उन क्षेत्र में उन इंटरव्यू वी करे साई मुझा ओ साई मुझा एक मिनट गल एक मिनट
उन्हनि समाज जो विशेष कयो आहे, उहो समाज जे साम्हूं अचणो खपे। हिंदुस्तान में मूंखे लॻे थो घणनि माण्हुनि जो तव्हां इंटरव्यू थियो, हिंदुस्तान में जेके समथिंग स्पेशल 140 माण्हुनि जो इंटरव्यू थियो। यूट्यूब सिंधी चैनल आहे, उन चैनल ते हे इंटरव्यू आहिनि, तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो। ऐं हिन प्रोग्राम लाइ विशेष रूप खां हुनजो प्रोग्राम हो उल्हासनगर में, पर सिंधियत जो प्रोग्राम आहे, जिते बि सिंधियत जो प्रोग्राम हूंदो आहे। हाणे थोरा ॾींहं पहिरियों हुननि लोनावाला में हिकु कार्यक्रम कयो, ऐं उहो कार्यक्रम कहिड़ो कयूं, जेके बि आर्मी में असांजा सिंधी समाज जा रिटायर थी विया हुजनि, जेके रिटायर थी विया आहिनि, मूंखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थिए, मूंखे बि न ख़बर हुई 100 खां वधीक अधिकारी अहिड़ा आहिनि जेके आर्मी में कमु कयो हुयऊं। माण्हू चवंदा हुआ सिंधी सिर्फ़ु वापारी आहिनि, पर वापारी बि न आहिनि, 100 खां वधीक हुया, 156 सिंधी जेके आर्मी में, उन्हनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते वठी अचणु केॾी वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं हुन सभिनी खे घुराए करे उन्हनि जो सम्मान कयूं, ऐं उते बि मां इहा ॻाल्हि कई की जीअं आज़ादी में कंहिंजे बि अपने योगदान ॾिनो आहे, उन्हनि ते असां किताब छपियूं, नई पीढ़ी खे ख़बर पए, उन में हिन जी ॾाढो योगदान थी करे, त मां तव्हां सम्झी तरफ़ां उन्हनि जो सम्मान थो कयां पियो। ऐं असांजी जेकी मंत्री, पूर्व मंत्री आहे निर्मला वाधवानी जी, मां चाहींदुमि उन्हनि खे की उन्हनि जो सम्मान करनि ऐं माला पाए करे ऐं गुलदस्तो मारींदो, ठीकु आहे साईं? तव्हांजी ॾिसो तारियूं ज़ोरदार। पंकज जेसवानी जी का सम्मान हमारे शंकर लालवानी जी करेंगे। पंकज जेसवाणी जी जे बारे मां चई न सघंदो आहियां, छो की दिल्ली वारा आहिनि, मूंखां वधीक तव्हांखे ख़बर आहे, त तारी वजाए हिननि जो बि स्वागत कयो। छापड़िया हेमू कॉलोनी जे बारे में मां ॾिठो मोबाइल ते डिजिटल, उन्हनि हिकु ॾींहं में ठाहियो ऐं वायरल बि कयूं, सॼे दुनिया में वियो आहे उहो तव्हां जेको डिजिटल ठाहियो न, सॼी दुनिया खे ख़बर पई आहे हेमू कॉलोनी जे बारे में। असांखे त ख़बर हुई, पर जेके ख़बर न हुई उन्हनि खे बि ॼाण पई, सॼी जीवन परिचय लिखूं नंढे हूंदे खां। ऐं ॾाढो तारी वजाए करे असांजे हा पत्रकार त आई थी, पर सिंधियत लाइ हमेशह अॻियां रहंदो आहे। जय झूलेलाल। मां चाहियां थो शंकर जी अगरि ॿ मिंट वेहनि सुकून सां त हिकु सुहिणो कलाम पेश कजे। शंकर जी ने आज करनी मेहनत है, महीनों की होगी मेहनत, दिख रही है, मैं चाहूंगा 5 मिनट बैठे सुकून के साथ, एक कलाम मेरे दिल में है, बहुत अच्छा सा।